मैं ये आलू वैरायटी है कुफरी बादशाह, इसको पोटैटो प्लांटर से लगाया था। ये पोटैटो प्लांटर से लगाने में एक तो समय का बचत है और अभी मजदूर का बहुत भारी समस्या है, मजदूर मिल नहीं पाता है। मैंने जो काम मजदूर से हम 10-15 दिन में करवाएंगे वो काम हम पोटैटो प्लांटर से एक दिन में लगा लेते हैं आलू। और किसानों को मैंने जो लोग पोटैटो प्लांटर से नहीं लगाए उनका उपज हम देखें इस साल बहुत कम हुआ है, और मेरा उपज लगभग 5-6 क्विंटल से ऊपर का कट्ठा में हुआ है, ठीक ना। तो इससे तो एक तो समय का बचत हुआ है, दूसरा में मजदूर का जो मजदूरी है उससे भी कम रेट में मेरा आलू रोपाई हो गया और फसल का भी अच्छा उत्पादन हुआ। ये पोटैटो प्लांटर का लगाया हुआ आलू है और ये बहुत अच्छा साइज है इसका, इससे भी बड़ा बड़ा था, ठीक ना। अब तो और आलू सब था वो बिक चुका है, ये थोड़ा सा है बचा हुआ, ठीक। तो इसका उत्पादन पोटैटो प्लांटर से लगाने में बहुत अच्छा हुआ है, माने कुदाल से जो रोपाता है उससे दुगुना उपज इससे होता है। हम तो बहुत सारे किसान को अपने पोटैटो प्लांटर से लगाए हैं, जो हमको बोलते हैं हम जाके समय थोड़ा लेते हैं लेकिन लगा देते हैं। विगत 10 वर्षों से हम पोटैटो प्लांटर से आलू लगा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खासियत ये है कि समय का तो बचत होता ही है और पैसे की भी बचत, हर चीज़ की बचत और उपज क्षमता हिसाब से ज़्यादा, जो ऐसे मैनुअल जो लगाते हैं कुदाल से हम लोग उससे अधिक उपज क्षमता इसका है। इस बार भी कई कई खेतों में हर तरह का उपज क्षमता आया है, लेकिन एवरेज हम 4 एकड़ में आलू लगाए हुए थे पोटैटो प्लांटर से, तो किसी में 5, किसी में 4 क्विंटल, किसी में 5 क्विंटल, 6 क्विंटल भी हुआ है, लेकिन एवरेज 4.5 क्विंटल हमको उत्पादन क्षमता आया है इससे, मैंने 4 एकड़ में। तो इससे हम तो सारे जो भी किसान मिलते हैं उनको सुझाव यही देते हैं जो पोटैटो प्लांटर से ही आलू की खेती कीजिए, जिससे हर तरह का माने सुविधा और बचत। सबसे मेन प्रॉब्लम है लेबर का, लेबर अब उतना मिलता नहीं है, उसका खाना बनाने का, ये बहुत सारी बातें हैं पैसे का, लेकिन इससे हर चीज़ की बचत होती है और क्षमता जो है उपज आलू का साइज भी अच्छा होता है, फली भी अच्छा आता है, चूँकि मिट्टी अधिक पड़ता है तो इससे तो होगा ही। जहाँ तक अनुभव है हमको इससे ज़्यादा फायदा हुआ है।